स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी फोर्थ क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। अबू अली ये नाम है और वो अपने डंकीज को की वो काउंटिंग कर रहा है। तो देखिए कैसे काउंटिंग कर रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे ये जो पिक्चर दे रखी है इस पे तुम्हें ध्यान से देखना है। फाइंड आउट हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन इट, और ये देखने हैं कि इसमें कितने स्क्वेयर हैं। तो पहले तो तुम अपने आप अच्छे से काउंट करना और फिर मैं जो बताऊं उसको देखना कि तुमने सही काउंट किए थे या नहीं किए थे। तो देखो सबसे बड़ा तो ये अपने पास ये पूरा एक स्क्वेयर है ना। उसके बाद फिर वन हो गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, और फिर एक ये पूरा बड़ा है ना। तो कितने हो गए अपने पास, फोर्टीन स्क्वेयर हैं ये। तुम पहले अपने आप काउंट करना और फिर देखना कि तुम्हारे भी फोर्टीन आए हैं या कुछ अलग आए हैं। अब अपना लेसन रीड कर लेते हैं हम। वन डे अबू अली वेंट टू द फेयर, कह रहे हैं कि एक दिन अबू अली वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है बेटा, गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स गया। तो एक दिन अबू अली मेले में गया एंड और बोट नाइन डंकीज, और उसने नाइन डंकीज खरीदे, गधे, डंकी मीन्स गधे। ही रोड होम ऑन वन ऑफ डैम, और उनमें से एक के ऊपर उसने सवारी की, यानी कि एक पे बैठ के वो अपने घर की तरफ चल दिया। द अदर डंकीज फॉलोड बिहाइंड, और दूसरे डंकीज उसके पीछे पीछे आ गए, एक दूसरे के पीछे चलते हैं ना गधे। हाँ, आफ्टर ए वाइल अबू अली सेड टू हिमसेल्फ, ए वाइल मतलब थोड़ी देर बाद अबू अली ने अपने आप से कहा, मन मन में कुछ सोच रहे होते हैं, वो सोचते हैं ना अपने आप में, तो यही होता है कि अपने आप से कहा, आर ऑल माई डोंकीज हेयर, क्या मेरे सारे गधे यहाँ हैं, कोई इधर उधर घूमता हुआ चला गया हो। जस्ट देन ही टर्न्ड राउंड टू काउंट देम, और तभी जब उसके दिमाग में ये बात आई कि सारे गधे हैं या नहीं हैं, तो वह घूमकर उनको चारों तरफ उनको काउंट करने लगा, तुरंत मुड़ लिया वो उनको काउंट करने के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट तक काउंटिंग हुई उसकी। ओह वेयर नंबर नाइन अबू अली क्राइड, और अबू अली अपने आप ही चीखा रहे, नौवा कहाँ गया, एट तक आया, नाइन्थ कहाँ गया। और फिर ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज डोंकी, वह अपने डोंकी से नीचे कूदा, जंप कूद गया। ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा उसने। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक एंड द ट्री, उसने चट्टानों और पेड़ों के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, कभी पीछे छुपा हुआ हो, ढूंढा उस वहां पे, उसकी तलाश की डंकी की। बट देर वाज नो डंकी टू बी सीन, परंतु वहां पे कोई भी डंकी उसको दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, ये अबू अली और ये इसके डंकी भी हैं। फिर आई विल काउंट देम अगेन अबू सैड, फिर उसने अपने आप से कहा कि दोबारा से गिनता हूँ, फिर से गिनूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब उसकी काउंटिंग नाइन तक आ गई। ओह ही मस्ट हैव कम बैक, तो उसने सोचा अच्छा वो एक जो गुम हो गया था वो वापिस से आ गया होगा। सो अभी अबू अली क्लाइम्ड बैक ऑन टू द डंकी एंड रोड अवे, इसलिए दोबारा से वो अपने गधे पर बैठ लिया और फिर चल पड़ा। After a while he counted his donkeys again. अब उसने एक बार गिने तो कम आए थे ना, तो उसको वहम हो गया कभी फिर तो नहीं गुम हो गए हैं, इसलिए उसने एक बार फिर से अपने donkeys को गिना। He counted only eight, और अब की बार फिर उसकी काउंटिंग एट तक आई है। Once again he jumped down from the donkey. फिर दोबारा से वो donkey के ऊपर से नीचे कूदा, यानी कि उतर लिया, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था उस पर से। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज, फिर उसने चट्टानों के पीछे पेड़ों के पीछे उसको ढूंढा। बट देर वॉज नो डोंकी टू बी सीन, परंतु वहां पे फिर से कोई भी डोंकी दिखाई उसको
नहीं दिया। आई विल काउंट माई डोंकीज अगेन, ही सेड टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, तो उसने अपने आप से फिर कहा कि मैं दोबारा से काउंट करता हूँ। काउंट मीन्स गिनना। एंड दिस टाइम देयर वर नाइन, और अब गिने तब वो फिर नो हो गए बेटा। जस्ट देन अबू अली सा हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रोड, और फिर उसी समय अबू अली ने अपने फ्रेंड अपने दोस्त मूसा को रोड पर जाते हुए देखा। क्या देखा? फिर बोला वो मूसा, ही कॉल्ड, वो चिल्लाया यानी कि उसने कहा मूसा हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज, की डंकी गिनने में मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। आई कीप लूजिंग वन, मेरा एक डोंकी बार बार गुम हो रहा है। वेन आई स्टॉप टू काउंट आई फाइंड ओनली एट, जब मैं इनको गिनती करने के लिए इनकी गणना के लिए रुकता हूँ तो आठ आते हैं। बट वेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द नाइन्थ देयर ही इज अगेन, और लेकिन जब मैं घोड़े इस गधे पर से उतरने के बाद फिर मैं काउंट करता हूँ तो वहां पे नो गिन देता हूँ। वेल आई कैन सी टेन डंकीज, अबू अली लाफ्ड मूसा, तो मूसा हंसने लगा। क्या कहा? अच्छा ये बात है, आई कैन सी टेन डंकीज, और मैं दस गधे देख रहा हूँ। उसने कहा कि अच्छा अबू अली मैं, मुझे तो दस गधे दिखाई दे रहे हैं। टेन, हाउ कैन यू सी टेन, आस्क्ड अबू अली। अबू अली ने उससे पूछा दस, दस कैसे दिखाई दे रहे हैं भाई तुझे, तू दस कैसे देख सकता है। कैन मीन्स होना, सकना, समर्थ होना किसी चीज में। यू आर सीटिंग ऑन वन, एक पर तुम बैठे हो। एंड देर आर एट डंकीज बिहाइंड यू, और आठ तुम्हारे पीछे हैं। सेड मूसा, मूसा ने उसके नौ गिनवा दिए ना, कह रहे कि एक पे गधे पे तो तू बैठा है, आठ तेरे पीछे हैं, तो आठ और एक नौ हो गए, है ना। ऑफ कोर्स सेड अबू अली, अबू अली ने कहा अरे हाँ वास्तव में सच में यही है। ओह आई एम फूलिश, मैं मूर्ख हूँ। बट वेर इज द टेंथ डंकी, परंतु दसवां कहाँ है। ही इज सीटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी, अब वो कह रहा है कि भाई दसवां कहाँ है, तो फिर मूसा बता रहा है कि दसवां पहले डंकी के ऊपर बैठा है। सेड मूसा एंड हिज नेम इज अबू अली, और उसका नाम है अबू अली। दसवां जो गधा है उसका नाम वो कह रहा है अबू अली, क्योंकि वो काउंट ही नहीं कर पा रहा है अपने नाइन्थ, हर बार जिसके ऊपर बैठा होता है उसको काउंट नहीं करता। तो देखो तुमने ये स्क्वेयर काउंट करने में तुमने भी तो कहीं गलतियां नहीं की जो पाठ के शुरुआत में दिया हुआ है ना। अब बेटे इसके हैं ये वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में पहला है बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, रॉक्स मीन्स चट्टाने, लुक फॉर तलाश करना, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। और इनके अतिरिक्त भी कोई वर्ड ऐसा है जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, उसका मीनिंग तुम्हें नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। अब हम अपने राइट और रॉन्ग को देख लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सी रॉन्ग है। तो यहाँ पे है अबू अली बोट टेन डोंकीज, अबू अली ने कितने डोंकी खरीदे थे, नाइन कह रहा है ना, और यहाँ पे ये कह रहा है टेन डोंकीज, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है, ठीक है। अबू अली रोड वन ऑफ द डंकीज, एक घोड़े पर, एक गधे पर, डंकी मीन्स होता है गधा, एक गधे पर अबू अली बैठ गया। स्टेटमेंट राइट है, बिल्कुल राइट है, हमने यहाँ पे राइट की टिक लगा दी है, ये ट्रू है बेटा। ही काउंटेड वन डंकी लेस, वो एक डंकी कम गिन रहा था ना, हाँ ये भी राइट है, एक कम ही काउंट आ रहा था उसका, है ना। ही सा हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रिवर, उसने अपने फ्रेंड मूसा को नदी के साथ साथ घूमते हुए देखा, नदी पे देखा था नहीं, उसने रोड पर चलते हुए देखा, तो इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन कर दिया है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड मूसा टू हेल्प हिम, उसने मूसा से हेल्प मांगी थी, बिल्कुल मांगी थी, इसलिए ये राइट स्टेटमेंट है। मूसा थॉट दैट अबू अली वाज क्लेवर, मूसा क्या लगता था मूसा को कि अबू अली क्लेवर है, नहीं वो उसको
क्या कह रहा था? गधा कह रहा था, तो वो फूलिस है क्योंकि वो जिस गधे पर बैठा था उसको काउंट नहीं कर रहा था, इसलिए यह स्टेटमेंट बेटा अपनी रॉन्ग है। यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मैनी डंकीज डिड अबू अली बाई एंड फ्रॉम हेयर, कि अबू अली ने कितने डंकी खरीदे और कहाँ से खरीदे। तो आंसर इसका रहेगा, ही बॉट 9 डंकीज फ्रॉम ए फेयर, कि अबू अली ने 9 डंकीज खरीदे, गधे खरीदे, और वो भी एक मेले से। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट डिड अबू अली थिंक ऑन द वे टू होम, कि अबू अली ने रास्ते में क्या सोचा, जब वो वापस लेके आ रहा था तो उसने क्या सोचा होगा। अबू अली थॉट दैट इफ ऑल हिज डंकीज विद हिम, कि क्या मेरे सारे डंकीज मेरे साथ हैं, यही सोचा था ना उसने, फिर वो काउंट करने लग गया था। हाँ, थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, व्हाई डिड अबू अली कॉल मूसा, कि अबू अली ने मूसा को क्यों बुलाया, क्यों बोला उसने। तो आंसर है अपने पास, अबू अली कॉल्ड हिज फ्रेंड मूसा टू हेल्प हिम टू काउंट हिज डंकीज, तो किस लिए बुलाया था, कि उसके डंकी की काउंटिंग सही नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उसे बुलाया, हेल्प करने के लिए बुलाया था। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मैनी डंकी डिड मूसा काउंट, और मूसा ने कितने डंकीज गिने। आंसर अपने पास है, मूसा काउंटेड 10 डंकीज, मूसा ने 10 गिने डंकी। कैसे? 9 तो उसके डंकी थे और उसने अबू अली को भी गधा ही कहा क्योंकि वो सही से गिन नहीं पा रहा था। ठीक है,